आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम 1913 में रूस की महिलाओं द्वारा महिला दिवस मनाया गया था। 1914 अंतर्राष्ट्रीय महिला उत्सव 8 मार्च को रखा गया था। तभी से 8 मार्च को सभी जगह इसे मनाने की शुरुआत हुई। नारी गौरव है, अभिमान है और नारी सम्मान है। नारी ने हमेशा एक श्रमिक के रूप में, एक माँ के रूप में तथा एक अच्छे नागरिक के रूप में अपना योगदान दिया है। भारतीय संस्कृति में नारी के सम्मान को बहुत महत्व दिया गया है। महिलाओं का आजादी की लड़ाई में भी काफी अहम योगदान रहा है। हिंदू और मुस्लिम के अलावा अन्य धर्मों की महिलाओं ने जैसे चांद बीबी, और झांसी की रानी ने तो अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। आज भी भारतीय अन्य वीरांगना का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इनमें से एक है लखनऊ की बेगम हजरत महल, जिन्होंने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दिए। इसके अलावा काशी बाई जूही और दुर्गा बाई जैसी अनेक महिलाएं थी जिन्होंने अंग्रेजों से जूझते हुए वीर गति प्राप्त की। हमारे देश के विद्वान महर्षियों ने कहा है, यत नारिस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वही देवता का निवास भी होता है। प्राचीन काल में नारी को पूरा सम्मान दिया जाता था, उसे पुरुष की अर्धांगिनी समझा जाता था। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान तब तक पूर्ण नहीं माना जाता था जब तक नारी उसमें भाग ना ले। उन्हें पुरुष जैसे सम्मान अधिकार प्राप्त थे। आधुनिक भारत में नारी राष्ट्र निर्माता है। उसने समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है। नारी ने यह भी सिद्ध किया है, कुछ उड़ान हौसलों के पंखों से भी पूरी की जा सकती है। भारतीय नारी ने अपनी प्रतिभा से न केवल भारत में अपितु विश्व भर में अपनी प्रतिभा से न केवल भारत को अपितु संपूर्ण विश्व को अचंभित कर दिया है। आजादी के बाद से आने वाली सरकारों ने नारी सशक्तिकरण पर जोर दिया है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, अपमान मत करना नारियों का, इसके बल पर जग चलता है। अपमान मत करना नारियों का, इसके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद से पलता है। धन्यवाद।